उपज मंडी में विगत दिनों से किसानों की उपज माल नहीं खरीदा जा रहा था, जिसमें आज किसानों ने नाराज होकर उन्हें मंडी स्विच का विरोध किया है और आक्रोश जताया है। मंडी स्विच का कहना है कि प्रातः 9 बजे सुबह और दिन के 2 बजे तक ही माल खरीदेंगे। कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि किसान अन्य देवता है और उसके भी किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना चाहिए। और सुनते हैं कि नेताजी का क्या कहना है। जिले की कृषि उपज मंडी पिपलिया मंडी है, जहां पर किसान आज बहुत परेशान हुए। 7 दिन से इनका माल नहीं खरीदा गया, तो परेशान। अब बताएं आप क्या नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मंडी किसान व्यापारी यहां के जो मजदूर हैं उन सबके लिए है। और अगर कृषि उपज मंडी इस तरह से अगर तत्काल कोई निर्णय बदल करके और अगर खरीदी नहीं की जाती है मंडी कमेटी द्वारा, तो निश्चित रूप से हमारा किसान कहीं ना कहीं परेशान होता है। और मुझे जब सूचना मिली तो मैं आया हूँ और मैंने यहाँ के बार सदर SDM श्रीमती रोशनी जी पाटीदार से भी चर्चा करी है। हमारा सबका उद्देश्य है, क्या होना चाहिए, कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से आज मंडी बगैर पूर्व सूचना के बंद की गई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऊपर अधिकारियों से भी बात करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित नहीं हों, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और मेरा फिर कहना है कि हम किसी भी शर्त पर कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हमारी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। और इस तरह से अगर किसान अगर अधिकारियों की और दूसरों की मनमानी से अगर परेशान होता तो हम उनके खिलाफ़ बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला किसानों को? अभी हमारी बात हुई है, छोटा है, जितने जितने वाहन आते जाते हैं अंदर लेते जाते हैं, और अभी 2 दिन बीच में छुट्टियाँ आ गई है, दिक्कत आई है। अच्छा, अभी कोई मीटिंग भी हुई थी शायद कोई अधिकारी को लेके आपकी? हाँ यार, मान लो वही RTGS पेमेंट के लिए दिक्कत आ रही है, नगद पेमेंट मान को नहीं देने के लिए। तो इनका माल कब खरीदा जाएगा, कब से इनका माल? अब जब मंडी चालू होगी, आज तो 902 हो गई है। अच्छा, इसमें कुछ बाहर से भी लोग आए, बहुत परेशान है। अब क्या है, मंडी प्रांगण छोटा है तो इनको प्रवेश जैसे जैसे लोग आते जाते जगह होती जाती है। ठीक, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस